नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। गुरुवार सुबह आगरा के ताजमहल में बम होने की सूचना मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी और आनन फानन में पुलिस ने एक्शन लेकर तत्काल ताजमहल समेत परिसर के इलाके को खाली कराकर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि फोन पर मिली धमकी फर्जी है और किसी व्यक्ति ने जानबूझकर यह अफवाह फैला दी थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद दोनों गेट बंद करवा कर पर्यटकों को बाहर भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम को भी मौके पर बुलवा लिया था, लेकिन पूरे परिसर में चेकिंग करने के बाद कहीं भी विस्फोटक नहीं मिला। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि यह धमकी उन्हें पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करके दी गई थी और फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा था कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी होने से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए उसने ताजमहल में बम रख दिया है। ताजा अपडेट में घटना के बाद पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है और उसे गाजियाबाद से हिरासत में ले लिया है। साथ ही ताजमहल को पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है और स्थानीय पुलिस के साथ साथ CISF की टीम को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।